Hello students, welcome to my channel Creative Classes. Today's class is about exercise 1.2 of chapter Integers of class 7th. Please subscribe my channel to get latest uploads and watch this video till the end. I hope that you are getting good content from previous uploads. So let's get started. So first question is, पहले तो integers हमने किए थे ना, क्या होते हैं negative numbers एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अकेले अकेले भी नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना प्रॉपर्टीज यूज होंगी. ठीक है, एडिशन की. प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस. माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस. माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स जो सम इज माइनस 7. ठीक है, हमें क्या लिखना है, पेयर ऑफ इंटीजर्स बनाना है जिसका सम क्या चाहिए, हमें माइनस 7 होना चाहिए सम. ठीक है, हमें पता है कि बड़ी वाली जो होगी हमारा इंटीजर वो माइनस का होना चाहिए, मतलब माइनस 10 अगर हम ले लेंगे और उसमें प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 7. बट 7 हमें क्या मिला, नेगेटिव नंबर के साथ, बिकॉज हमारे पास 10 के आगे क्या लिया हमने, नेगेटिव नंबर लिया. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस क्या मिलना चाहिए हमें, माइनस का 10 मिलना चाहिए डिफरेंस, इसका मतलब बड़े वाले के आगे हमें क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए. तो हम पेयरिंग किस किस की बना सकते हैं, 20 और 30 की भी बन सकती है. ठीक है, 20 माइनस 30 क्या आ जाएगा, माइनस 10, अगर हमारे पास डिफरेंस जो है वो प्लस का 10 चाहिए होता हमें. ठीक है, तो हम क्या कर लेते, 30 को आगे लिख लेते, बिकॉज जो बड़े वाला है उसके आगे जो साइन है वही लगेगा ना आंसर में. तो ठीक है, अगर हम 30 को आगे लिख देंगे, 20 को पीछे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 10, ये अपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट वाला जो है वो है सम इज 0. ठीक है, हमें सम क्या मिलना चाहिए, 0. हमें पता है कि अगर हमारे पास एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, बिकॉज एक नेगेटिव क्वांटिटी और एक पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों आपस में क्या करती है, एक दूसरे को कैंसिल करती है ना. ठीक है, तो हमें सम क्या मिलेगा, 0. नेक्स्ट सम है सेकेंड वाला, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स डिफरेंस गिव्स अस 8. डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, दोनों ही नेगेटिव बनाने हैं हमने, दोनों नंबर्स हमें नेगेटिव फॉर्म में चाहिए. 8 को क्या मिल सकता है, ठीक है, माइनस 2 होगा हमारे पास अगर, और अगर हमें माइनस 10 ले लिया, हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. माइनस 2 माइनस माइनस 10, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 10, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस कितना होगा, 8. क्या मिला हमें, पॉजिटिव का 8, बिकॉज 10 के आगे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव का साइन है. ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट देखो, एक हमें नेगेटिव इंटीजर चाहिए, दूसरा पॉजिटिव चाहिए, उनका जो सम है वो हमें क्या चाहिए, माइनस 5. ठीक है, सम माइनस 5 चाहिए, माइनस 5 चाहिए, तो हमारे पास बड़ी वाली जो इंटीजर होगी वो माइनस की होगी. ठीक है, माइनस 6 और 1 को लेके देखते हैं, माइनस 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होंगे, 5 आ गया, साइन कौन सा लगा, माइनस का, बिकॉज 6 के आगे क्या है, माइनस का साइन है. ठीक है, नेक्स्ट वाला है, इसका इसी पार्ट है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव लिखना है, उनका डिफरेंस क्या चाहिए हमें, माइनस का 3 चाहिए. ठीक है, एक तो हमारे पास इंटीजर कौन सा आ गया, माइनस 1 और 2, ये 2 प्लस का हो. ठीक है, डिफरेंस करना है, माइनस 1 माइनस 2, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 3, माइनस नंबर के साथ, बिकॉज जो 2 है वो कौन सा हमारे पास, माइनस का. नेक्स्ट वाला जो सम है उनको देखो, इन अ क्विज, कोई क्विज हो रही है. ठीक है, टीम ए और टीम बी है, उसमें टीम ए और दूसरा क्या है, टीम बी है. ठीक है, टीम ए के जो स्कोरिंग है वो हमें दी हुई है माइनस 40 10 0. ठीक है, टीम बी है उसकी स्कोरिंग क्या दी हुई है, 10 0 एंड 40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स. मतलब पहले राउंड में जो है वो टीम ए के स्कोर कितने हैं, माइनस 40, सेकेंड में कितने हैं, 10, थर्ड में क्या है, 0.
साइमल्टेनियसली टीम बी है जो उसके फर्स्ट राउंड में क्या है स्कोर 10, सेकंड में 0 एंड थर्ड में -40। हमें क्या बताना है, इन दोनों के स्कोर्स पहले तो कैलकुलेट करने हैं। टीम ए के स्कोर्स क्या होंगे, टीम ए के स्कोर होंगे, इन सभी को ऐड करना है हमने, ठीक है। इंटीजर्स को ऐड करना बताया था ना पिछली वाली वीडियो में, -40 +10 +0, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 40 में से 10 गए, 30 रह गए, ठीक है, माइनस के, बिकॉज 40 के आगे क्या है, माइनस का साइन है। टीम बी है जो उसकी क्या होगी, 10 +0 प्लस और -40, तो क्या बन गया, 10 +0 +माइनस -40, माइनस प्लस माइनस हो गए ये भी, ठीक है, 30 आ गया माइनस का। दोनों टीम्स के जो स्कोर हैं वो इक्वल आ गए हमारे पास, ठीक है। बोथ टीम्स हैव इक्वल स्कोर्स। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या बताना है कि जो इंटीजर्स हैं हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यस वी कैन एड देम इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का क्या मतलब है, चाहे तो आप 0 आगे लिख लो, 40 को इसके पीछे लिख लो और 10 को इसके पीछे लिख लो, आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा ना, -40 +10 के आ गया -30। इसी तरह से इसको पहले -40 को लिख लो, +10 कर लो, फिर +0 कर लो, फिर भी -30 आएगा आंसर। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं इंटीजर्स के केस में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।